कबूतर कैसे पालें। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। ऐसे तो YouTube पर कई वीडियो मिल जाएगी, पर उस वीडियो में बोलते हैं कि कबूतर की शुरुआत ऐसे करो वो करो, तो उधर क्या बोलते हैं कि बड़ा लॉफ्ट चाहिए नहीं, छोटा लॉफ्ट चाहिए नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोगों को इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ उस पर फोकस करें और कबूतरबाजी की शुरुआत करें, घर पर कबूतर कैसे पालें। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपको सबसे पहले बड़ा लॉफ्ट होना चाहिए जैसे ये, और छोटा लॉफ्ट होना चाहिए ये, तो ये नहीं होंगे तो आप लोग कबूतर कैसे पालोगे। तो इसका सलूशन है मेरे पास, ठीक। कुछ लॉफ्ट वगैरह नहीं चाहिए आप लोगों को। अगर आप कबूतरबाजी की शुरुआत करते हो तो उसके लिए आप लोगों को ऐसी पेटी बना लेनी है। बनानी कैसे है वो हमारे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगी वीडियो। अगर आप लोग कबूतरबाजी की शुरुआत करते हो ना, तो आप लोगों को पेटी बना लेनी है, और किन किन बातों का ध्यान रखना है ये सबसे पहले सुने। और एक बात है कि कबूतर को बिल्ली से बचाएं, बचाना कैसे है वो भी वीडियो देख सकते हो आप। और बड़ा लॉफ्ट है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, छोटा लॉफ्ट है तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं है तो आप लोग पेटी बना लो, उसको लगाना कहाँ पर है दोस्तों। उस पेटी को आपको लगाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ऊपर नजर डालो, ठीक है। ये मैंने कैरेट जंगली कबूतरों के लिए लगाया, जी हाँ, इसमें अंडे बच्चे आ चुके हैं, इस पर जल्द ही वीडियो आने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पेटी कैसी होनी चाहिए और कहाँ पर सेट करना चाहिए, कितनी ऊँची सेट करना चाहिए, कितनी नीची, क्योंकि बिल्ली का खतरा रहता है ना। सो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये तो पेटी इसके अंदर ऐसी पड़ी है, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपल ऐसी पेटी बना लेनी है, बनाना कुछ करना नहीं इतना काम। यहाँ पे देख सकते हो एक फट्टा है, और यहाँ पर अगर बीच में चाहो तो लगा लो। अगर आप कबूतरबाजी की शुरुआत कर रहे हो तो अगर उससे अगर आपके पास ऐसा लॉफ्ट है तो इसके ऊपर मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा लॉफ्ट है तो इसमें रख लो। और नए कबूतर है ना, तो आप लोगों को क्या करना है, 2-3 दिन कबूतर को अंदर रखो, ठीक है। उसके बाद बाहर निकालो, पंख बंदे होने चाहिए वरना उड़ जाएंगे। उसके बाद बाहर निकालो, अंदर करो, इसे 2-3 दिन आप लोगों को करना है। उसके बाद पर खोल दो। अगर आपके मोहल्ले में कुछ और कबूतर पालते हैं ना, तो थोड़े बहुत दिन और भी रख लेना, नहीं तो उनके साथ मिक्स हो जाएंगे। और आप लोगों को क्या करना है, जैसे ऊंची जगह है यहाँ पर बिठा दो, ताकि अपनी छत की कबूतर पहचान करें और कहीं पर भागने की ट्राई नहीं करें, ठीक है। पेटी को ले लिया आपने, मान लिया, ठीक है, उस पेटी को कहाँ पर लगाना है, जैसे कि मैं आप लोगों को अभी उदाहरण देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये मान लो ये आपका कमरा है, इधर सेट कर लेनी है, ये तो इतना है, ठीक है, इधर तो बिल्ली पहुंच जाएगी। और आपको क्या करना है, अगर कमरा नहीं है ना, तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर पीछे ये एक लकड़ी है, ठीक है, एक ये है और एक इधर सामने से बांध दो, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगी। उसके बीच में तार बांध लो, उधर पेटी लगा दो, तो वहाँ पर कबूतर आराम से रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ, उन पेटी में कबूतर रखने के बाद आप लोगों को क्या करना, उस पेटी के ऊपर कबूतरों को रखना है। जी हाँ, चाहे आपके 2 कबूतर हो, 3 हो, ठीक है, पेटी ज़्यादा लगा लो, और या फिर 2 हो तो 1 पेटी लगा लो, ठीक है। उसके ऊपर कबूतरों को रखना है और पर बांधे हुए, ठीक है, जहाँ पर आपने सेट कर दी, ठीक है। कैसे सेट करनी है ये वीडियो आप लोग देख सकते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपने सेट कर दी। उसके बाद क्या करना है, कबूतर को पेटी के ऊपर रखना है 2 से 3 दिन, और जहाँ पर दाना खिलाते हो ना, उधर नीचे कबूतरों को खोल दो। और आप लोगों को क्या करना है, कबूतर का ध्यान रखना है उस टाइम। अगर आप लोग ध्यान नहीं रखोगे तो बिल्ली आएगी, अटैक करके कबूतर को ले जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को कबूतर को नीचे लाना है, और जैसे कि मैं ये पीछे आप कूलर देख सकते हो, ठीक है, इसको आप मान लो ये पेटी है, ठीक है, उसके ऊपर कबूतर आपने रख लिए और रख लिए। उसके बाद क्या करना है, कबूतर को वहाँ पर रखने के बाद आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, ऐसे रखो और नीचे उतारो। दाना खाने के बाद कबूतर को पेटी पे बिठाओ, पेटी पे बिठाने के बाद कबूतर को वापस अंदर बंद कर दो। तो क्या होगा, कबूतर की पहचान होगी कि भाई ये हमारा घर है, हमें इसके अंदर रहना है, क्योंकि मैंने ये सब सेटअप आजमाया हुआ है। अब मैं इन बड़े लॉफ्ट के पास आ चुका हूँ, क्योंकि वो मैंने पेटी वाला सिस्टम हटा दिया। पहले मैंने स्टार्ट कबूतरबाजी यहीं से की है, और अब बड़े लॉफ्ट हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। सो दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा बड़ा लॉफ्ट है ना, और या फिर ऐसा छोटा है, तो आप लोगों को क्या करना है, कबूतर को बाहर निकालो, अंदर करो, और ऊंची जगह पर बिठाओ। ऐसे कम से कम 4-5 दिन करना है, ताकि कबूतर अपनी छत को पहचाने और कहीं पर भागें कि नहीं। अगर आपके पास अड़ोस पड़ोस में कबूतर किसी के पाले हुए हैं, तो कबूतर के ज़्यादा दिन पर बांध के रखना, और ऊँची से ऊँची जगह पर बिठाना, ताकि कबूतर आपकी छत का पहचान कर सकें और कबूतर आपको कहीं नहीं जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, कबूतर घर पर कैसे पालें।